पश्चिम बंगाल, जिसे भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके संकल्प पर, उनकी गारंटी पर, पश्चिम बंगाल का तेज विकास हो, यहाँ के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित हो, विकसित बंगाल से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो, इसी लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी के विस्तार पर किया है अभूतपूर्व निवेश। पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूर्व में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वोटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज दी जा रही है मेट्रो से जुड़ी 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कोलकाता मेट्रो की परियोजनाओं में शामिल हैं हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन, कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन, हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेक्शन और तारा तला माझेर हाट मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन। साथ ही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कोलकाता मेट्रो के इन नव निर्मित सेक्शनों पर मेट्रो सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन पर हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर रिवर टनल में मेट्रो का हो रहा है शुभारंभ। इन मेट्रो सेवाओं के संचालन से हावड़ा और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी होगी सुगम। कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन एवं हेमंत मुखोपाध्याय स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं शुरू होने से महानगर की व्यस्त ट्रैफिक में आएगी कमी। वहीं पश्चिम कोलकाता एवं उपनगरीय क्षेत्रों में सब अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिलेगी मजबूती। पश्चिम बंगाल के सर्वांगीण विकास के ऐसे मजबूत इरादे से ही तो बनी है मोदी सरकार की गारंटी।